उलझ में दिखेंगी जानवी कपूर, फर्स्ट लुक हुआ वायरल। फिल्म में जानवी के साथ गुलशन देवैया और रोशन मैथ्यू भी नजर आएंगे। एक बार प्रियंका चोपड़ा रेड कार्पेट में कई लोगों की मौजूदगी में धड़ाम से गिर गई थी। द व्यू चैट शो में प्रियंका ने बताया कि जब उनके साथ ऐसा कुछ हुआ था, तब वहां मौजूद पैपराजी ने अपने कैमरे नीचे रख दिए थे। बाद में उन्हें पैपराजी ने कहा कि वो खड़े होने के लिए अपना टाइम ले सकती है। उन्होंने प्रियंका के सम्मान में उनकी गिरती हुई कोई भी फोटो या वीडियो क्लिक नहीं किया। आदि पुरुष के ट्रेलर ने तोड़ा RRR का रिकॉर्ड। रिपोर्टेडली हिंदी में 51 मिलियन से ज्यादा बार देखा गया आदि पुरुष का ट्रेलर। इससे पहले RRR ने 24 घंटे में 51.12 मिलियन से ज्यादा व्यूज कमाए थे, जबकि आदि पुरुष के ट्रेलर ने महज 8 घंटे में 53.40 मिलियन व्यूज का आंकड़ा पार कर लिया। जिमी शेरगिल मानते हैं कि मौजूदा दौर में कंगना रनौत से बेहतर अभिनेत्री दूसरी नहीं है। साथ ही उन्होंने एक इंटरव्यू में कंगना को एडवाइस दी। रिपोर्टेडली जिमी शेरगिल ने कहा, मुझे लगता है उनको इस समय अपने अभिनय पर ही ज्यादा ध्यान देना चाहिए। मुझे लगता है कि अगर वो अपना पूरा ध्यान सिर्फ अभिनय पर लगाकर रखेंगी तो उनसे अच्छा कलाकार इंडस्ट्री में इस समय कोई नहीं है। मेरा मानना है कि बाकी सारी चीजों से उनको दूर ही रहना चाहिए। द केरला स्टोरी 5 मई को रिलीज हुई। 5 दिन में कमाए 50 करोड़ रुपए और इस समय 2023 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली 5वीं फिल्म द केरला स्टोरी बन गई है। वही मेकर्स ने फिल्म को और दूसरे देशों में भी रिलीज करने का फैसला किया है। अब ये फिल्म 37 और देशों में रिलीज होने जा रही है, जिसकी जानकारी खुद फिल्म की एक्ट्रेस अदा शर्मा ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करते हुए दी है। प्रियंका चोपड़ा ने एक्टर्स को डेट करने को लेकर खुलकर बात की। एक पॉडकास्ट में बातचीत में प्रियंका ने सभी एक्स बॉयफ्रेंड्स को ग्रेट बताया, पर साथ ही ये भी कहा कि सभी के साथ उनका ब्रेकअप काफी खराब लेवल पर हुआ था। क्या सगाई के लिए तैयार हो गई परिणीति चोपड़ा की ड्रेस? परिणीति चोपड़ा फेमस सेलिब्रिटी डिजाइनर मनीष मल्होत्रा की ड्रेस पहनेंगी। आपको बता दें कि 13 मई को परिणीति और राघव चड्ढा दिल्ली में सगाई करने वाले हैं, ऐसी खबरें हैं। नेहा धूपी और अंगद बेदी आज अपनी शादी की 5वीं सालगिरह मना रहे हैं। इस खास दिन को सेलिब्रेट करने के लिए दोनों अपने बच्चों के साथ वेकेशन पर है। तस्वीरें हो रही है वायरल। पठान पर भारी पड़ी नंदिनी। IMDb की पॉपुलर इंडियन सेलिब्रिटी की पॉपुलैरिटी लिस्ट में ऐश्वर्या राय बच्चन टॉप पर है। अनुष्का शर्मा चक द एक्सप्रेस में नजर आएंगी, वो सेकंड नंबर पर है, जबकि शाहरुख खान तीसरे स्थान पर है। मुंबई में आज कई सितारे हुए स्पॉट, देखिए वीडियोस। चलो तो चलो खुशी जी थोड़ा यहाँ पे प्लीज सिर्फ टर्न हो जाइए। थैंक यू।